अगेन अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंचेंगे शुगरान इस वक्त और माशाल्लाह क्या कहने, बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही प्यारी मीठी मीठी धूप। एक आइडियल मौसम है टूर के लिए। रास्ते में आते हुए जिस खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा वो ये कि केवाई से ले के ऑनवर्ड्स अप टू शुगरान रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और मेरी मालूमात के मुताबिक नेक्स्ट सीज़न की ओपनिंग पे इंशाल्लाह इस रोड की कारपेटिंग हो जाएगी। अभी क्रश वगैरह डाली जा रही है, रोड को पुख्ता किया जा रहा है, मशीनें काम कर रही हैं और ये टूरिस्ट के लिए बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि आने वाले सीज़न में शुगरान आने के लिए उन्हें केवाई से जीप नहीं करनी पड़ेगी बल्कि वो अपनी गाड़ियों में बड़े आराम और सुकून से यहाँ पे आ जाएंगे। आगे फिर ये होगा कि जब शुगरान से सरी पाए के लिए उन्हें अगर विजिट करना है तो यहाँ से आने के ऑनवर्ड्स जीप हायर करनी पड़ेगी। इस वक्त यहाँ पे बहुत ही पुरसकून माहौल है। आज दिसंबर की 19 तारीख है। नॉर्मली यहाँ पे इस मौसम में बर्फ़बारी हो जाती है और ये जो आप सब्ज़ादार देख रहे हैं जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये बर्फ़ से ढका होता है, लेकिन थोड़ा सा मौसम में इस दफ़ा तब्दीली है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इस महीने में अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई। लास्ट टाइम जो बर्फ़बारी हुई थी वो 5 नवंबर को हुई थी और यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बर्फ़बारी के दौर होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं हुई। एक्सपेक्टेडली अगले 3 से 4 दिन में मुमकिन है बर्फ़बारी हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त रश बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि बर्फ़बारी नहीं हुई और सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को मालूम है कि बर्फ़बारी नहीं हुई तो इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होगी, क्योंकि एक तो स्कूलों में छुट्टियाँ हो जाएंगी और दूसरा क्रिसमस के हवाले से भी छुट्टियाँ होंगी, तो एक साथ उन छुट्टियों को अवेल किया जाएगा और फैमिलीज यहाँ पे आएंगी। वैसे भी बर्फ़बारी का सीज़न देखने के लिए एक ख़ास तबका जो बर्फ़बारी देखने का शौकीन होता है वो इस तरफ का रुख करता है। शुगरान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वादी कागान में मौसम सरमा का सेंटर पॉइंट शुगरान होता है। जितनी सेलिब्रेशंस है और जितना हल्ला गुला, जितनी इंजॉयमेंट है वो यहाँ शुगरान में ही होती है। उसकी एक वजह यहाँ का ये वसी और इस खुला सब्ज़ाज़ार है और दूसरा यहाँ पे बड़े ही म्यारी किस्म के और आला पाए के यहाँ पे होटल्स हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो अट्रैक्शन का सोर्स है वो कि ये चूँकि बहुत हाइट पे है, यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है और फिर आपने जैसे देखा होगा कि चारों तरफ फलकबोस पहाड़ है जो बर्फ़ से ढके होते हैं। सो यही कुछ है जो एक सयाह चाहता है कि उसे एक स्टे करने के लिए अच्छी लोकेशन, अच्छा होटल, अच्छी सहूलियात मैसर हों और देखने के लिए एक अच्छा नज़ारा भी मिले। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। कुछ देर में हम यहाँ से निकलेंगे और आगे सरी पाए की तरफ हमारा प्रोग्राम है। होपफुली कि हमें वहाँ पे कुछ स्नो मिल जाए तो वहाँ पे भी आपके साथ जाके इंशाल्लाह वीडियो शूट करेंगे और आपको सरी पाए का भी नज़ारा करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।